सो 99.69% में IIM कलकत्ता कन्वर्ट हो चुका है अजीत का. अजीत ही इज फ्रॉम NIT रायपुर. उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच था, बेसिकली जनरल इंजीनियर मेल प्रोफाइल है. एंड उसका CTS का 3 साल का एक्सपीरियंस था. तो मतलब क्या ना, सॉफ्टवेयर में काम कर रहा था वो, बेंगलोर में था. तो उसके बाद उसको 99.6 समथिंग XX आया. तो वो सोचा कि जहाँ हमको अहमदाबाद से कॉल आएगा, बेंगलोर से कॉल आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं. लेकिन अल्टीमेटली क्या है ना, बेंगलोर में कॉल आया था लेकिन बेंगलोर में कन्वर्ट नहीं हो पाया. लेकिन IIM कलकत्ता हुआ है एंड FMS दिल्ली में कन्वर्ट हुआ है. ओके, तो नेचुरली ही विल गो टू द IIM कलकत्ता. तो क्या होता है ना, मैं किसी को डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, लेकिन कोई कोई मेल करके मेरे को भेजता है MBA@inquiry@gmail.com में आफ्टर कैट. क्योंकि डिफिकल्टीज जब आता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब IIM बेंगलोर में जब कॉल नहीं आएगा आपको, FMS में कैसे कन्वर्ट होंगे या IIM कलकत्ता में कैसे कन्वर्ट होंगे, इसके लिए तो बहुत सारा एक तो जो जिसका कॉल आता है ना उसका दिमाग घूम जाता है. क्योंकि क्या होता है, खास करके जनरल प्रोफाइल में, क्योंकि वो श्योर हो जाता है कि हमारा कन्वर्ट नहीं होगा. ऐसा बिल्कुल है नहीं, कन्वर्ट होता है. लेकिन कितने ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए. ट्रिक्स मतलब क्या होता है, IIM कलकत्ता में क्या क्या पूछते रहता है. जैसे कि आपको बेसिक क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, तो मैं उसको बोला था कोई ग्राफ जो है ना, ग्राफ को सीख के जाओ. तो ये क्या किया, जो हायर सेकेंडरी का जो उसका जो पुराना जो जितना सारा सा ग्राफ था वो ग्राफ को बढ़िया से पढ़ के गया था. मतलब y = x, y = -x, लॉग एक्स का क्या ग्राफ है, वो हाइपरबोला पैराबोला उसका इक्वेशन क्या क्या है, नेगेटिव हाइपरबोला ये सब जो क्या है, ये सब पढ़ के गया था. तो उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछने लगा था. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेचुरल टू ऑल, बिकॉज क्या होता है इसमें नॉन इंजीनियर्स जो है उसको भी पूछ सकते हैं. लेकिन फिर भी जो इंजीनियर था वो थोड़ा सा बताया, लेकिन कुछ बताने भी नहीं पाया. लेकिन अल्टीमेटली उसको ग्राफ पूछने लगा. तो ग्राफ पूछने लगा जब, तो जबरदस्त आंसर देने लगा. क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन का माफी आपको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते रहता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, उसको बढ़िया से पता था. मतलब पढ़ के गया था वो. तो B²-4AC > 0 होने से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होने से क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे पूछा जाता है. तो उसको एक इक्वेशन बोला था, उसके बाद उसको बोला था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ. तो तुरंत बता दिया था, क्योंकि उसको मालूम है कैसे किया जाता है. तो इसलिए बोल लोग ऐसा प्रिपरेशन करो, मतलब वहाँ पर ज़्यादा जाकर रुक मत जाओ. क्योंकि क्या होगा, वहाँ पर जब रुक जाओगे ना IIM कलकत्ता को, बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसका मतलब आपका कुछ नहीं है. मतलब आप लेट कर रहे हो, मतलब आपका कॉन्फिडेंस है नहीं, आप कुछ सजा गुजा के बहुत बता रहा हो. उसके बाद आपका आँखों का जो ये होता है, मतलब क्या ना, आपको जो डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब क्या है ना, वो आँख देख के, कैंडिडेट का आँखों देख के पता चल जाता है कि उस क्या वो याद कर रहा है ना, वो मतलब क्या ना बना के बोल रहा है. तो ऐसा ऐसा होता है. तो उनका बहुत सारा तरीका, तो उनका प्रोफेसर लोग इतना पुराना है, इतना हाईफाई है, उसको पता चल जाता है. क्योंकि फॉरेनर से बहुत सारे डील करते होंगे. तो उसके बाद आप बिजनेस लेके बोलने जाओगे तो आपको बहुत सारा चीज़ पकड़ेगा. तो उसको मैं बोला था कि बिजनेस लेके एकदम मत बोलिए, थोड़ा सा कुछ बोलिए जो आपको पता है, बढ़िया से पता है, तभी जाके कन्वर्ट होंगे. अदरवाइज आपको कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. बिकॉज दिट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज IIM कलकत्ता इज नेचुरली दे आर प्रेफरिंग दैट इंजीनियर्स एज वेल एज यू हैव टू नो नॉन इंजीनियर्स होने से भी आपको मैथमेटिक्स पता होना चाहिए. आपको DI मतलब क्या ना, जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो आपको एक्सप्रेशन है, मतलब एप्लीकेशन जो है वो पता होना चाहिए, तभी जब कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज आपको नहीं हो पाएगा. तो ऐसे ही होता रहता है. बिकॉज खास करके मैं आपको बताता हूँ, जितना सारा IIM कलकत्ता का कैंडिडेट है आप देखिएगा, उसमें मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है. ओके, एंड इंजीनियर्स लोगों को तो ज़्यादा सा प्रेफरेंस देता है खास. एंड साथ साथ ऐसे भी होता है, जैसे कि ना मैं आपको बहुत सारा चीज़ बताया हूँ. पहले स्टैटिस्टिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगता है. तो स्टैटिस्टिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगने से क्या होगा ना, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर लोग होने से ही आपको आंसर दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. नॉन इंजीनियर्स भी आपको बढ़िया से आंसर देते हैं, क्योंकि मीन मीडियन मोड इसका रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे उसको बेल कर ड्रॉ करोगे, तो ऐसा ऐसा पूछ लेते हैं. सो वन सेकेंड ऐसा होता रहता है. अगर कुछ आपका प्रॉब्लम है तो MBA@inquiry@gmail.com मेरा जो ये है YouTube के में लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप लोग वहाँ पर मेरे को मेल करके भेज सकते हो, मैं सजेशन डाल दूंगा. अगर सही सजेशन मिल जाएगा, सजेशन आपको देखिएगा, आपको बिल्कुल लग जाएगा. सो वन सेकेंड डियर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू.